ये था कि मैं एक्ट्रेस बनूं। तो मैंने पर कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मुझे मूवी में ऑफर मिल जाएगा। लेट लेट के उनके पैर को छू रहे थे, मेरे लिए वो सब एक बहुत ही नया मोमेंट था, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे मुझे। देखिए, मम्मी पापा दोनों चाहते थे अलग अलग। पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, मम्मी चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं। उन्होंने जब मेरे बारे में बोला वो मेरे लिए भी एक सपने की तरह था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। उस वक्त मेरे माइंड में कुछ नहीं था, मैं बस सुन रही थी उनको। किसी शायर ने कहा है कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। ये कहानी उस लड़की की है जो बिहार की बेटी है। एक छोटी सी खिड़की से अपने ख्वाब को संजोते हुए उसने एक बड़ा लंबा सफर तय किया और आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है। इनकी जो मुस्कान है उसके मिलियन फॉलोअर है और हर शख्स जो बिहारी अपने आप में अपने राज्य से अपने देश से प्रेम करने वाला है वो उस बेटी को अपना फनकार मानता है, अपना कलाकार मानता है। साउथ की तरफ किस्मत गई है और कला और फन किसी भी इलाके में चला जाए वो पूरे देश का हो जाता है। हम बात कर रहे हैं टिकटॉक स्टार संचिता बासु की। खूबसूरती ऐसी कि पूरी दुनिया इनकी कायल है और मुस्कान ऐसी कि हर शख्स इनकी तारीफ करता है। स्वागत है हेडलाइंस बिहार में। कैसा महसूस हो रहा है कामयाबी के इस पड़ाव पे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अस्वस्थ लग रही हैं आप? ऐसा नहीं है, एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। जिंदगी की सफर की शुरुआत घर से हुई और बस ऐसा ही मनोरंजन के लिए आपने करना शुरू किया। माँ चाहती थी कि आईएएस हो जाए या पापा डॉक्टर चाहते थे या माँ डॉक्टर बनाना चाहती थी आपको, लेकिन आपका ख्वाब कुछ और था। जी एक्चुअली देखिए, मम्मी पापा दोनों चाहते थे अलग अलग। पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, मम्मी चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं। पर मेरा हमेशा से ये था कि मैं एक्ट्रेस बनूं। सो मैंने पर कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मुझे मूवी में ऑफर मिल जाएगा। बस हाँ, मैंने एंटरटेनमेंट के लिए शुरू किया टिकटॉक, पर धीरे धीरे लोगों को वीडियोस पसंद आने लगे। मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पहुँची आप लोगों के प्यार से। जब आप साउथ गई आपके अंदर तो कला थी ही, जो फन है वो था, सिर्फ एक स्टेज मिलने की जरूरत थी। और चिरंजीवी ने जब आपकी तारीफ की तो पूरी दुनिया और देश के लोगों ने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया। जी हमारे मूवी का जो प्री रिलीज इवेंट था उसमें चिरंजीवी सर आए थे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था बस वो ये बोलेंगे कि ये मूवी की लीड एक्ट्रेस है। उन्होंने जब मेरे बारे में बोला वो मेरे लिए भी एक सपने की तरह था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। उस वक्त मेरे माइंड में कुछ नहीं था, मैं बस सुन रही थी उनको। जब उन्होंने थैंक यू बोल दिया तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे बारे में उन्होंने बोला। सो बहुत बड़ी बात है, वहाँ के लिए वो एक भगवान है। जब वो आए थे लोग लेट लेट के उनके पैर को छू रहे थे, मेरे लिए वो सब एक बहुत ही नया मोमेंट था, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे मुझे। सो मैं बहुत खुद को इस बात के लिए लकी फील करती हूँ, मेरे फर्स्ट मूवी में वो आए। सो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगला सफर बॉलीवुड, फिर उसके बाद हॉलीवुड, ख्वाब तो काफी लंबे हैं। जी मैंने ये सोचा है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर जो अच्छा होगा, जो मेरा कैरेक्टर अच्छा होगा, आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग अपने फैमिली के साथ अच्छे से देख सको, तो मैं वैसा कैरेक्टर चूज करूंगी, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। सो मैं वैसा स्टोरी को देख रही हूँ। वहाँ जब आप गई तो जो बिहार की छवि है, एक बिहारीपन है, उसको लेकर भी चर्चा हुई या सिर्फ आपकी जो कला है उस पर बात हो रही? ये बहुत बार मैंने सुना है कि अगर आप बिहार से होते हो तो लोग अलग तरह से देखते हैं, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो वहाँ मैंने जब कहा कि मैं बिहार से हूँ, उन लोगों ने मुझे और भी प्यार दिया। मेरे सेट पे मैं सबसे ज़्यादा छोटी थी तो उन लोगों ने हमेशा मुझे बेटा बेटा कह के हर चीज़ सिखाया, समझाया। सो मुझे नहीं लगता बिहार को कह के कुछ होता है, आखिरकार आप लोगों को बहुत प्यार मिलता है वहाँ पे। इसलिए कि अक्सर कहा जाता है कि जो बिहारी है वहाँ आईएएस और आईपीएस ज्यादा होते हैं। ये छवि देश में बनी हुई है, लेकिन एक बच्ची जो बिहार की बेटी है, इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, उससे हर शख्स खुश है। और सबसे ज्यादा जो आपके मम्मी पापा, अलग अलग फैसला था उनका, उन सारे फैसलों के बावजूद भी वो आज आपके साथ खड़े हैं। जी उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मम्मा पापा कहते हैं कि आप कुछ भी बनो पर रास्ता सही होना चाहिए, और वो लोग हमेशा मेरे साथ है, ऐसे मम्मी पापा कहते हैं। अभी तो आपके सफर की शुरुआत है, तो जिस तरह से उनकी सोच है, हर माँ बाप को होती है सुरक्षा भविष्य को लेकर के, कभी अब तो जिंदगी सेट होती जा रही, शादी वादी के बारे में कहा कि अब कर लो? नहीं, ऐसा मेरे मम्मी पापा कभी नहीं बोलते, आज तक कभी नहीं। उन लोगों ने हमेशा ये कहा है कि पहले तुम खुद का करियर चूज करो, जहाँ तक सेटअप होना है वो लोग मेरे साथ हैं। और फिर ये सब के बारे में आई थिंक अभी तक मेरे मम्मी पापा कभी बोले ही नहीं। और क्या मतलब ख्वाब है बॉलीवुड में किन एक्टरों के साथ काम करने का? एक हर कलाकार के अंदर एक खूबी होती है, तो उस खूबी को दिखाए। जैसे बिहार से ही मनोज वाजपेयी हैं और कई ऐसे हैं,
तो उन लोगों ने भी सोचा था जिंदगी में कि कभी ये हमको मिल जाए, तो आपका भी कुछ ख्वाब ऐसा टारगेट? जी, जब आदमी किसी भी करियर पे जाते हैं तो वो लोग हमेशा सोचते हैं, सपने देखते हैं कि मैं इस बड़े एक्टर के साथ बनाऊं, पर वहाँ पहुँचने के लिए बेसिकली बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी मैंने शुरुआत की है और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उड़ान भरने के लिए बहुत घिसना पड़ता है, बहुत घिसना है वहाँ पहुँचने के लिए। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये थी संचिता बसु, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ख्वाब थे, सपने थे, उनको पंख लग गया और मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया और आज लोगों का प्यार मिल रहा है। अभी तो साउथ की फिल्में की हैं, चिरंजीवी जैसे शख्स ने तारीफ की, और अगला सफर बॉलीवुड में होगा। कई बड़े एक्टर होंगे, बड़े डायरेक्टर होंगे, उनके साथ हम जरूर अपनी जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा शेयर करेंगे और लोगों के सामने जो अपनी जिंदगी की कला है, फन है, उसे हम जरूर दिखाना करेंगे। सीमा बख्तर, हेडलाइन।